कहते हैं कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया टीम ये गुरु मंत्र लेके पहुंची है वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड, क्योंकि अभी तक 4 मैचेस हुए हैं जिसमें से 1 मैच वॉश आउट हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। पहला मैच खेली इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ जो कि बेहतरीन तरीके से जीती, उसके बाद खेली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि उससे भी बेहतरीन तरीके से खेली, क्योंकि ये मानना था कि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो सबसे स्ट्रांग है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और जो मैच जीता काबिले तारीफ था। न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ वॉश आउट, लेकिन उसके बाद आया बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंडिया ने बता दिया कि क्यों वो है इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट। इंडिया की स्ट्रेंथ मैं कहूँगी बैटिंग है, क्योंकि काफ़ी डीप बैटिंग लाइनअप है और सभी खिलाड़ी रंग में नज़र आ रहे हैं। शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या हार्दिक पांड्या, सभी के कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रहे हैं। अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ तो वो मैं कहूँगी वो नींव है जो कि एक मजबूत इमारत खड़ी कर सकती है। रोहित शर्मा ने पहला शतक जड़ा, उसके बाद अर्धशतक की पारी खेली, उसके बाद आया बड़ी इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट, 140 रन की पारी खेली। मुझे तो लग रहा था कि 200 कर लेंगे, लेकिन 140 रन की भी बहुत ही क्लास पारी खेली थी। वो एक अब एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल प्लेयर नज़र आ रहे हैं। एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जब से वो फादर बने हैं थोड़े से डिफरेंट सोच हो गई है, और वो रिस्पॉन्सिबल इनिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बल्लेबाजी में भी नज़र आ रही है। चाहेंगे हम इसी तरह से खेलते रहे, क्योंकि जब रोहित मारता है ना तो सारे बॉलर जो होते हैं ना वो सोच में पड़ जाते हैं, और ये इंडिया के लिए है बढ़िया साइन। उसके बाद अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ, जितनी तारीफ करूँ उतना कम, बढ़िया लय में नज़र आ रहे हैं, अलग ही क्लास के खिलाड़ी हैं वो, क्योंकि वो जब क्रीज पे होते हैं ना तो सिंगल डबल भी आते हैं, बाउंड्रीज भी आती है, वो हंगर उनकी आंखों पे दिखता है। कप्तान तो उनको हम काफ़ी टाइम से देख ही चुके हैं, बतौर कप्तान का पहला वर्ल्ड कप है। मैं चाहती थी बतौर बल्लेबाज वो कैसा इस वर्ल्ड कप में खेलते हैं, और अभी तक बॉस 10 out of 10 है। जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है ना, अगर वो इसी लय में करते रहेंगे तो आने वाले समय में इंडिया के नाम ये हो सकता है वर्ल्ड कप। अभी तक के मैचेस में बेहतरीन गेंदबाजी रही है इंडिया टीम की। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद संभाली और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की। हमें लग रहा था कि शमी को पहला मौका दिया जाएगा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे थिंक टैंक की, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने जो गेंदबाजी की है ना वो काफ़ी काबिले तारीफ है। इकोनॉमिकल रहे, विकेट भी चटकाए नए बॉल से, और मिडिल ओवर्स की बात करूँ तो कुलचा की हमने पहले भी बात की थी कि क्यों है वो जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी मैच में चाहल ने ली, उसके बाद पाकिस्तान के मैच में कुलदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की। देखिए, इंडिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसके पास 2 रिस्ट स्पिनर हैं, और रिस्ट स्पिनर जो होते हैं ना अपने ही दिन में मैच विनर होते हैं। और तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ विराट कोहली की, रवि शास्त्री की, जिन्होंने इस जोड़ी को बैकअप किया। उनकी बात हो गई, बॉलिंग की बात हो गई, अब फील्डिंग की बात करनी तो बनती है भाई। इंडिया टीम इस टाइम है वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड, और ये डिफरेंस क्यों आया, मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली ने जो ट्रेंड सेट किया था ना फिटनेस का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फील्डिंग में, क्योंकि उसके बाद से देखिए हर खिलाड़ी काफ़ी एजाइल हो चुका है, आपको फील्ड में एजिलिटी नज़र आती है, थ्रोइंग आर्म्स क्विक हो गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉलिंग जो है ना वो आपकी फील्डिंग से अच्छी लगती है। और अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात ही करें तो अगर मैं इंडिया को नंबर दूंगी तो कम से कम 25+ रन पे थे, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कम से कम -20 था। ये एक हार और जीत के में डिफरेंस बन सकता है आने वाले मैचेस में। तो अगर मैं इंडिया को रेटिंग दूं फील्डिंग के लिए तो मेरे हिसाब से 10 out of 10। भाई ये तो थे अभी तक के 4 मैचेस जो इंडिया टीम के हो चुके हैं, आने वाले हर मैच के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वर्ल्ड कप को लेके, इंडिया टीम को लेके, तो आप पूछ सकते हैं #askreema पे, और आपके जवाब वीडियो द्वारा दिए जाएंगे।